ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की समुद्री व्यापार क्षमता में वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक पी मनोज, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में अधिकतर व्यापार समुद्री मार्ग के जरिए किया जाता है और लगभग पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे जुड़ी हुई है और भारत भी इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। और आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पी मनोज, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे मनोज जी, मैं जानना चाहूंगा कि भारत की करंट जो स्थिति है समुद्री व्यापार की, एक थोड़ी सी उस पर आपसे झलक पाना चाहेंगे और साथ ही में इसकी प्रमुख चुनौतियां और अवसर क्या क्या हैं। पहले मुद्दा यह है कि जो एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड, वो 90% से ज्यादा समुद्र के द्वारे करता है और 70% बाय वैल्यू, मोर देन 90% बाय वॉल्यूम, मोर देन 70% बाय वैल्यू समुद्र के द्वारा हो रहा है। तो भारत का जो ज्योग्राफी है, 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, और हमारा जो ट्रेड है, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो उसके लिए हमारा जो समुद्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे ट्रेड का कॉम्पिटेटिवनेस के लिए। तो बहुत सालों से हम जो ऐसे देखते आ रहे हैं कि हमारा 7000 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, लेकिन अभी 10 साल से मेरे ख्याल में ये मानना पड़ेगा कि जहां पे पहले जो गवर्नमेंट होता था इसको इतना फोकस नहीं करता था, लेकिन पिछले 10 साल से हमारा गवर्नमेंट इसको पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट जानते हुए ये सेक्टर को बढ़ाने के लिए पॉलिसी की तरफ से और जितना भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ से, ट्रेड फैसिलिटेशन की तरफ से, बहुत सारे चीजें ये गवर्नमेंट ने निभाया है पॉलिसी के जरिए। तो हमारा देश जो है अभी इकोनॉमी इतना ग्रो कर रहा है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। तो इस सब के लिए समुद्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स, शिपिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे। मनोज जी, ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन मैरिटाइम ट्रेड का हमारी इकोनॉमी पर क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को समझाएं। एक्चुअली हमारा ग्लोबल ट्रेड का करीबन 11% इंडिया का कार्गो है। ग्लोबल ट्रेड का, ग्लोबल सी बॉर्न कार्गो ट्रेड का 11% इंडिया का ट्रेड है, लेकिन इंडिया का शिपिंग, शिप ओनिंग, शिपिंग टनेज जो है वो करीबन 1.4% ही है। वो है एक छोटा सा हमारा ड्रॉबैक। इंडिया में ज्यादा शिप ओनर्स, शिपिंग फ्लीट, शिपिंग टनेज नहीं है। वो अभी इस सरकार एक पॉलिसी लेके आ रहा है कि कैसे ये इंडिया में शिपिंग टनेज बढ़ाएंगे हम लोग, और उसके लिए क्या क्या चाहिए, टैक्स इंसेंटिव चाहिए और क्या चाहिए इसको, इंडिया टनेज को बढ़ाने के लिए। वो एक पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट अभी जल्दी से कैबिनेट में अप्रोच कर रहा है एक कैबिनेट पॉलिसी को लेके। तो ये है शिपिंग में, लेकिन पोर्ट्स में हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स है। इंडिया का 12 मेजर पोर्ट्स गवर्नमेंट ओन पोर्ट्स है, और इसके अलावा बहुत प्राइवेट पोर्ट्स है, जैसे कि अदानी ग्रुप का पोर्ट्स है, JSW का पोर्ट्स है, और ये कुल मिला के हमारा जो 1600 का कैपेसिटी है, 1600 का कैपेसिटी है, उसमें से मेरे ख्याल में 1000 से ज्यादा अभी हैंडलिंग हो रहा है इंडिया में अभी, लेकिन ज्यादा चाहिए और चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगा तो और कैपेसिटी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने आज भूमि पूजन किया वाधवन पोर्ट का, वो इंडिया में एक सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स होगा इंडिया का। डीप वाटर है दुनिया में, जो अभी चलने वाला बड़े से बड़े जहाज वहां पे आ सकता है कार्गो लेके। तो सरकार की तरफ से जितना भी कोशिश है और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, वो सब जारी है। अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात करी कि उन्होंने वाधवन पोर्ट पर फाउंडेशन स्टोन उन्होंने आज किया है, और मैं इस पे आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना महत्व रखता है और भारत के समुद्री व्यापार पर कितना प्रभाव डालेगा। साथ ही 76,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, तो ये खास तौर पर व्यापार, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के मुद्दों पर ये कितना प्रभाव डालेगा। एक पोर्ट जो है एक स्टैंडअलोन नहीं है, पोर्ट एक इकोसिस्टम है, एक ट्रेड के लिए भी है, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है, एक इकोनॉमी के लिए भी है, ये सब के लिए पोर्ट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो इस नजर से देखेगा तो वातावरण अभी 2029 या 2030 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तब इंडिया का एक जाने माने बहुत ही बड़ा पोर्ट्स में एक होगा। और इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न सीबोर्ड में है ये, और वेस्टर्न सीबोर्ड है हमारा ज्यादातर ये जो कंटेनर कार्गो आता है, क्योंकि ये नॉर्थर्न हिंटरलैंड को जाने वाला कार्गो जो है वेस्टर्न हिंटरलैंड में ही आता है, और उसके बाद आने के बाद वो रेल या रोड से वेस्टर्न जो कंजम्पशन एरियाज है वहां पर बेचता है और एक्सपोर्ट के लिए वैसे ही आता है। तो ये डीप वाटर पोर्ट होगा। डीप वाटर मतलब दुनिया का, मैंने जब पहले बताया, दुनिया का जितना भी बड़ा जहाज है वो यहाँ पे आके बर्थ कर सकता है, और वो बहुत ही कम पोर्ट है इंडिया में वो बड़ा जहाज बर्थ कर सकता है। एक है जैन पोर्ट है, एक मुंद्रा है, और ये अभी वातावरण आएगा। थोड़ा सा मैं आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ, अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत है गल्फ में, आप देखे जाएगा तो रोज कुछ न कुछ वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस जगह से जाना, शिप्स को जाना, जहाज को जाना बहुत ही खतरनाक है। लोग का लीडर्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स जो है, एक ऑल्टरनेट रूट्स का अभी खोज रहा है। तो वैसे हम लोगों ने ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो लास्ट ईयर अनाउंस किया था, और जो है इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो रशिया तक जाएगा, और रशिया अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में है यूक्रेन के साथ, और कोई देश बिकॉज ऑफ सैंक्शंस की वजह से ये जो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको बाईपास करने के लिए हम लोग नया नया रूट्स निकाल रहे हैं। और नया नया रूट्स जो है सिर्फ सी का रूट नहीं है, सी कम लैंड रूट है, सी कम रोड लैंड रेल का रूट है। तो वैसे देखेगा जाएगा तो ये जो वर्धवन का लोकेशन है वो इस रूट में जुड़े हुए है। तो इस रूट में जुड़े हुए हैं कि ये पूरा सप्लाई चेन जो है वातावरण के थ्रू से इंडिया आएगा, और वातावरण के थ्रू से बाहर जाएगा, और जहां तक पहुंचना है, रशिया तक पहुंचना है, ये आईएमईसी ईसीसी कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इस सब में वातावरण का एक इम्पोर्टेंट रोल है। और वातावरण इतना बड़ा पोर्ट होगा, इंडिया का 289 कुछ मिलियन टन का कैपेसिटी है फुल्ली ऑपरेशनल में, और इसके जो आजू बाजू में जो इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना भी एक्टिविटी होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिल जाएगा। इंडिया का ये जो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है आजकल एम्प्लॉयमेंट, आपको जानते ही होंगे, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इसीलिए कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि ये बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल भी है ऐसा ऐसा पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर्स में, तो इसीलिए ये सब में ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही बढ़िया एक अप्रूवल और प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए, और अपना मैरिटाइम सेक्टर के लिए, लोगों के लिए कैपेसिटी बढ़ेगा, ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, और इंटरनेशनल जो है ये जो नया नया कॉरिडोर्स बना रहे हैं उसका भी ये एक रोल कर सकता है। मनोज जी, करंटली अगर हम बात करें तो मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं भारत के मैरिटाइम ट्रेड को लेकर के, और कैसे इन इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है, इस पे आप क्या विचार रखते हैं? आप जानते ही होंगे कि चाइना एक इतना बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो नॉट ओनली फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, वो अपना कार्गो को बेचने के लिए और सेंड करने के लिए जहां पे नॉट ओनली इन चाइना लोग के दूसरे जगह में भी वो अपना पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग वगैरह बहुत ही मजबूत किया है, और अपना आजू बाजू में भी वाके श्रीलंका में आके, वो कई और जगह में आके पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका जो एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, एक डिफेंस की तरफ से भी उसका एक नजर है। तो इंडिया ने भी ये अपना देखेगा तो बांग्लादेश में जाके अभी प्रोजेक्ट कर रहा है, म्यांमार में कर रहा है, हम लोग अभी चाबहार ईरान में चाबहार में कर रहे हैं। इंडिया ने भी ये थोड़ा सा डी एस्केलेट करने के लिए अपना जितना भी हो सकता है इंडिया के गवर्नमेंट के लेवल पे, वो उधर जाके दूसरे कंट्री में जाके अपना पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमारा कार्गो सेंड करने के लिए वो सुविधा बना रही है। चाइना को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इंडिया आजू बाजू में या नजदीक में जितना भी हो सकता है कर रहा है, लेकिन चाइना का थ्रेट है सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में। और आपको यह भी जानते हुए दिलचस्पी होगी कि इंडिया के पोर्ट सेक्टर में और शिपिंग सेक्टर में चाइना का कोई कंपनी नहीं आ सकता है, ये बहुत पहले ही एक गवर्नमेंट ने तय किया है कि इंडिया का मैरिटाइम सेक्टर में चाइना का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, चाइना को परमिशन नहीं देता है, तो उसकी तरफ से चाइना अभी इंडिया में नहीं है मैरिटाइम सेक्टर में।
तो अभी इंडिया अपना फ्रेंडली नेशन के थ्रू से और अपना डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू से, जैसे आपको पता ही है जयशंकर साहब ने बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जितना भी उसका जो डिप्लोमेटिक प्रोफिशिएंसी है एक दूसरा लेवल में ही है, क्योंकि वो पहले सेक्रेटरी था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, वो बहुत ही बड़ा डिप्लोमैट है। और उसके थ्रू से भी इंडिया अभी जितना भी हो सकता है लोग में जितना जगह पे हमको जहां पोर्ट बनाना है बंदरगाह बनाना है वो बहुत ही सीरियसली अभी ले रहा है इन चाइना का ये जो इन्फ्लुएंस है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए। आपने बात करी कि डिप्लोमेसी की, तो मैरिटाइम ट्रेड जो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कितना अहम भूमिका निभाता है, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते होते हैं यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो ये साझेदारियां भारत के समुद्री व्यापार को कैसे प्रभावित करती हैं? ये मैरिटाइम सेक्टर में ये मैरिटाइम डिप्लोमेसी है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और दिलचस्प एक एस्पेक्ट है, क्योंकि मैरिटाइम जो है हर एक कंट्री का बहुत ही इतना उसका सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी और ट्रेड के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और मैं अक्सर ये लोगों को बताता हूँ कि ये जो हमारा 7500 किलोमीटर लाइन कोस्ट लाइन है, आपको इसका इम्पोर्टेंस तब पता चलेगा जब आप एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और एक दूसरे कंट्री पे ऊपर आपका पूरा ट्रेड डिपेंड करता है, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास कोस्ट नहीं है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस नजर से देखा जाएगा तो ये जो इंडिया ने जितना भी मैरिटाइम नेशन से, वो यूरोप हो, यूएस हो, मिडिल ईस्ट हो, जितना भी मैरिटाइम नेशन से उसके साथ बातचीत करके डिप्लोमेसी करके हम लोग इतना उसको कन्वर्जेंस के लिए और इतना कोएक्सिस्ट करने के लिए हम लोग उसको एक सीरियस लेवल पे, अब पहली बार हम लोग ये लोगों से बातचीत करके हमारा कैसे हम लोग इकट्ठा कोलैबोरेट करके हम लोग कैसे उसका मैरिटाइम सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाए अपना ट्रेड के लिए, और इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में एक दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में आपको पता ही है कि बहुत सारा टैक्स कंसेशंस होता है, बहुत सारा फ्री ट्रेड होता है, ये होता है, बहुत ही ज्यादा चीज उसमें होता है। तो एक एक कंट्री के पास ये करके एक कोलैबोरेट मॉडल के थ्रू से दोनों कंट्री का फायदा के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और मैरिटाइम सेक्टर दोनों मिला के हम लोग एक अच्छा सा डिप्लोमेटिक एंगल से ये आगे बढ़ता है इंडिया का एक स्ट्रैटेजी अब देखा जाएगा। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं इंडियन ओशन की। लगभग पृथ्वी के वाटर सरफेस का ये 20% कवर करता है। इंडियन ओशन बाकी देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत की इकोनॉमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभी देखा जाएगा तो इंडिया का जीडीपी 7-8% में ग्रो कर रहा है, बाकी देश का, बाकी सब लोग जो है इंडिया में फोकस्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए, अपना कैसे बिजनेस करने के लिए, इसीलिए आप देखिएगा कि इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में बाकी देश से। तो वो लोग अभी देख रहे हैं कि इंडिया में मार्केट है, इंडिया का पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, इतना बड़ा मार्केट है, तो ये सब इंडियन ओशन का जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो सब इंडिया में फोकस्ड है, इतना आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि उन देश के लिए भी फायदा होगा कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू से वो उन लोगों का जो सामान है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, सर्विसेज है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके करेगा तो उन लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट होगा, उन लोगों को इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इंडियन ओशन हो या बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव हो, जितना भी कंट्रीज है वो सब इंडिया एक फलक्रम हो गया है, इंडिया का आजू बाजू में वो सर्कल कर रहा है कि इंडिया है एक फोकस एरिया। अभी इंडिया के साथ बिजनेस करना इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, इसीलिए और मैरिटाइम सेक्टर में और भी स्ट्रेंथन करेगा तो अच्छा ही है इंडियन ओशन कंट्रीज को। और अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत का समुद्री व्यापार और आगे बढ़ेगा और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख प्लेयर के रूप में भारत सामने आएगा। मनोज जी, आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारत की समुद्री व्यापार क्षमता में वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक पी मनोज, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289
0444